अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज है हमारी InDesign की क्लास नंबर 2 और आज हम देखेंगे टाइप टूल। टाइप टूल आप पहले भी देख चुके हैं इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में, लेकिन यहाँ का टाइप टूल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखना बनता ज़रूरी है बॉस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप टूल क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इन डिज़ाइन में हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा कि आज की क्लास में मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें बताने वाला हूँ टाइप टूल के बारे में, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है इलस्ट्रेटर फोटोशॉप, काफ़ी हद तक क्या मतलब ऑलमोस्ट किसी भी सॉफ्टवेयर में हम चले जाएँ, चाहे वो एडोबी की प्रोडक्ट ना भी हो तब भी कुछ बेसिक्स हैं वो सब में सेम हैं, राइट। एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो ज़रूर बताऊंगा। अगली क्लास जो होगी वो भी टाइप टूल पर ही होगी, लेकिन अब वो लॉन्ग टेक्स्ट अगर हो तो उसको किस तरह से मैनेज करना है उसके ऊपर होगी। तो आइए मेरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं सिंपली एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और न्यू फाइल मैं सिंपली प्रिंट में लेटर साइज़ की ले रहा हूँ एंड क्रिएट। सो इस वक्त करंटली ना मुझे फेसिंग पेजेस की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, बस हमें जस्ट वन पेज डॉक्यूमेंट चाहिए एंड लेट्स क्रिएट इट। एक चीज़ तो टाइप टूल सबको पता ही है यार, ये वाला है, एंड इसके अंदर दूसरा टाइप टूल मौजूद दिया हुआ है टाइप ऑन अ पाथ। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप इलस्ट्रेटर की अगर आपने क्लास नहीं देखी टाइप टूल वाली तो यार ये वाली लिंक आ रहा ऊपर वो देख लीजिएगा। बट एनीवेज यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इन डिज़ाइन में आप चाहे टेक्स्ट डालें या चाहे इमेजेस डालें या चाहे ग्राफिक्स डालें, सब कुछ एक फ्रेम के अंदर आ रहा होता है, हर एक इंडिविजुअल फ्रेम के अंदर आ रहा होता है। तो फ्रेम पर्पस क्या है कि आपको पता होगा कि जी यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है और इस डब्बे में कुछ चीज़ आनी है, अब वो टेक्स्ट भी हो सकता है ग्राफिक्स भी हो सकती है। सो टेक्स्ट फ्रेम बनाने के लिए, वैसे तो यहाँ पर आपके पास फ्रेम्स का अलग से पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन टेक्स्ट फ्रेम के लिए आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली टाइप टूल लें और ड्रैग करें एंड डब्बा बना दें, डब्बा बॉक्स फ्रेम, एंड देन इसके अंदर आप टाइप कर लें अपना टेक्स्ट। सो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर लेता हूँ दिस इज़ टेक्स्ट। अच्छा जी, अब आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, लेट्स से अगर आप ये टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पहली तो चीज़ यहाँ पर ये एक ओ आपको दिख रहा है, इसको मैं बताऊंगा दिस इज़ फॉर ओपन टाइप फॉन्ट्स और इसको आप इग्नोर कर दें, सही है। अगर राइट साइड पर देखें तो आपके पास कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, ये दिस इज़ योर प्रॉपर्टी पैनल और यहाँ पर आपके पास कैरेक्टर्स, कैरेक्टर स्टाइल्स यानी टेक्स्ट स्टाइल में आपका पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल्स है, इनको बहुत डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, आप सिंपली फिल कलर चेंज कर सकते हैं किसी का भी, ठीक है जी। स्ट्रोक लगाना चाहें स्ट्रोक भी लगा सकते हैं और ये आपके स्ट्रोक का वेट, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज करेंगे। सो सिंपली मैं पहले तो एक काम ये करता हूँ यार, फॉन्ट साइज़ ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र तो आए कि हो क्या रहा है। सो दिस इज़ आवर टेक्स्ट, मैंने जूम किया है ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील से, ठीक, एंड सॉरी। अब आपके पास यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये आप सबको मालूम है कि फॉन्ट्स कैसे चेंज होते हैं। और लेट्स से मैं सिंपल सा बर्न शिफ्ट, मेरा आजकल का फेवरेट फॉन्ट बिला वजह है, दिस इज़ अ वेरिएबल फॉन्ट इसलिए मेरा फेवरेट है, एंड वेरिएबल फॉन्ट में आप लोगों को पता होगा कि वेट हम यूँ बढ़ा सकते हैं, सही है, एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शंस और मौजूद हैं। सो सी दिस, वेट में बढ़ा देता हूँ तो काफ़ी थिक सा हो जाएगा, अदरवाइज़ आप चाहें तो पतला भी कर सकते हैं। विड्थ इसकी कम करना चाहें तो ये कंडेंस्ड फॉन्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। एनीवेज नाउ याद रखिएगा, हर फॉन्ट वेरिएबल फॉन्ट नहीं होता, देर आर फ्यू फॉन्ट्स जो कि वेरिएबल फॉन्ट्स हैं। यहाँ नीचे आपके पास वही स्टाइल्स दिए हुए हैं, आप रेगुलर रखना चाहें, बोल्ड रखना चाहें, ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। देन यहाँ पर आपके पास फॉन्ट साइज़ और ये रहा आपका लेडिंग। नाउ लेडिंग क्या होती है, स्पेसेस बिटवीन लाइंस। सो लेट्स से मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ दिस इज़
also text. ठीक है जी. Now अगर मुझे ये वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन के करीब करना है, देन मैं यहाँ से लेडिंग चेंज करूँगा. सो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑटो लगा हुआ होता है. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई मसला नहीं, ऑटो कर ले, बाद में अगर आप चाहें तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं. मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि ये जो लेडिंग है यानी लाइंस की स्पेसिंग, ये आप सिर्फ उस वक्त चेंज करें जब आपका डिसाइड हो जाए कि जी आपका फॉन्ट साइज़ आपने क्या रखना है. रीज़न, सी आपने इस वक्त लेट से यहाँ 27 पॉइंट्स रखा हुआ है लेडिंग को, और फॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं बिलफर्स 14 कर देते हैं. तो अगर आप देखें तो अब गैप बढ़ गया है. अंडू कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ कंट्रोल ए, और मैं यहाँ से फॉन्ट साइज़ चेंज कर रहा हूँ 14. अब देखें इन दोनों लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि वो जो था लेडिंग वो अभी तक 27 है. सही है. सो मेक श्योर कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि जी आपके फॉन्ट का साइज़ क्या होना है, फिर उसके बाद लेडिंग चेंज करें, अदरवाइज इसको जस्ट ऑटो पे रखते हैं. ठीक है, ये रहा टॉप पे ऑटो. देन आपके पास दूसरी जो चीज़ दी हुई है ये है आपकी ट्रैकिंग. नाउ ट्रैकिंग क्या होती है? स्पेसेस बिटवीन अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स. नाउ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स से क्या मुराद? सो लेट्स से यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एडोबी, इसके नीचे मैं टाइप कर रहा हूँ GFXMentor. ठीक है, मैं ये चाह रहा था कि जी एडोबी का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा आए. सही है, इसको ज़रा सा डबल क्लिक करें, सेलेक्ट करें, और इसका साइज़ मैं बड़ा कर रहा हूँ तकरीबन 48 पॉइंट्स. ओ, हमारा सब कुछ गायब हो गया. कई बार ऐसा होता है कि हम अगर फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर देते हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पर ये एक प्लस साइन आपको दिख रहा है, दिस शोज़ के आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो हो चुका है. इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपना ये बॉक्स बड़ा करें, बिकॉज आपका जो फॉन्ट है वो इस बॉक्स से ज़्यादा बड़ा हो चुका है. तो आप इस बॉक्स को बड़ा कर लें. एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर अगर आप आकर के डबल क्लिक कर लें तो भी हो जाता है काम. इस GFXMentor को मैं एग्जैक्टली इसकी विड्थ में लाना चाह रहा था. नाउ इसकी विड्थ में लाने के लिए एक तो तरीका ये कि मैं इसका भी फॉन्ट साइज़ बड़ा कर दूँ, मगर मैं फॉन्ट साइज़ बड़ा नहीं करना चाह रहा. लेट्स से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लेट्स से लेट्स गो फॉर 18. और अब हमारा फिर टेक्स्ट गायब है, तो हम इसको डबल क्लिक, या तो आप इनिशियली इसको बड़ा ही रख लें, कोई मसला नहीं है. नाउ इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे इसके इक्वलेंट विड्थ लानी है. तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी इस वर्ड को सेलेक्ट किया हुआ है, एंड यहाँ से आप अपनी ट्रैकिंग बढ़ाएंगे. नाउ ट्रैकिंग याद रखिएगा, इट्स स्पेसेस बिटवीन अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, और इसको मैं अगर बढ़ाता जाऊँ तो ये बढ़ता जाएगा. दैट्स गुड. सो अब अगर आप देखें स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल गया. दिस इज, याद रखिएगा, ट्रैकिंग. ये इलस्ट्रेटर में यूजली बच्चे ये कर रहे होते हैं कि फॉन्ट को स्ट्रेच कर देते हैं. प्लीज डू नॉट स्ट्रेच योर फॉन्ट्स, बहुत बुरा लगता है. इंस्टेड आप स्पेसिंग बढ़ा दें, यानी ट्रैकिंग बढ़ा दें. दूसरी एक और चीज़ है यहाँ पर हमारे पास, दैट इज़ कर्निंग. और कर्निंग की एग्जाम्पल मैं कुछ अर्सा पहले दे चुका हूँ इलस्ट्रेटर पे. सो एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ टेस्ट, एंड लेट्स से इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा हूँ मैं, फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं. नाउ इस वक्त करंटली अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारी कर्निंग ऑप्टिकल या मैट्रिक्स पे रखी हुई है. अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो आपको एक चीज़ फील होगी कि टी और ई के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है. नाउ इलस्ट्रेटर हो गया या फोटोशॉप हो गया या इनडिज़ाइन हो गया या कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, उन सब में ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं कर्निंग के. आप इसको ऑप्टिकल पे रख लें तो सही रहता है, कोई मसला नहीं. लेकिन फिर भी आपको मज़ीद अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से आकर के एक काम तो ये करें, इन दोनों के बीच में कर्सर लेकर आ जाएं और फिर इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना शुरू कर दें. सो इस वक्त करंटली -79 है. लेट्स सी -100 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है, या मज़ीद अगर आपको करना है तो आप इन एरोज़ के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं. कर्निंग से रिलेटेड मेरी एक पूरी क्लास है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक दे दिया, फिर से जाके देख लीजिएगा. वो इलस्ट्रेटर में है लेकिन वो सारे रूल्स अप्लाई होते हैं हर जगह, फिर चाहे वो आप फोटोशॉप में हो, इलस्ट्रेटर में हो, इन डिज़ाइन में हो, या कॉरल ड्रॉ में हो, या इंकस्केप में हो, सब जगह चलते हैं. सो दिस इज़ कर्निंग हमारे पास. यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें हो गई ख़त्म. सही है, और लेट्स से मैं इसको ऑप्टिकल पे ही रख रहा हूँ अभी. और यहाँ पर ये थ्री डॉट्स जो दिए हुए हैं, अगर आप इस पर क्लिक करें तो कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स और मिल जाएंगे. एंड दीज आर वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल. मैं फिर कहूँगा इनको यूज़ मत कीजिएगा, ये स्ट्रेच कर देते हैं फॉन्ट्स को. सो लेट्स से मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये
200% मैंने किया, हमारा फ्रेम छोटा है, लेट्स इंक्रीज द साइज, सी दिस, अब ये फॉन्ट स्ट्रेच्ड लग रहा है, प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा इसको, अब ये मत पूछना कि क्यों दिए हुए इसलिए दिए हुए हैं कि अगर आपने गलती से स्ट्रेच कर दिया तो सही कर लें, दोनों वैल्यूज़ को 100% होना ज़रूरी है। एंड देन फिर आपके पास यहाँ दिया हुआ है बेस लाइन शिफ्ट, नाउ बेस लाइन शिफ्ट एज सच यहाँ पर आपको इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बेस लाइन क्या होती है। जब आपके एक टेक्स्ट लिखा होता है तो वो उसकी एक लाइन होती है यहाँ पर बेस, उससे ऊपर अगर उठाना है तो आप उठा सकते हैं लेकिन उठाइएगा नहीं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से ज़ीरो कर रहा हूँ। देन आपके पास यहाँ पर रोटेशन दी हुई है, कितने डिग्रीज आपको, बेसिकली रोटेशन नहीं है, दिस इज स्लांट, सो अगर इटैलिक फॉन्ट नहीं है आपके पास तो फिर आप स्लांट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगेन हमारे पास इटैलिक ऑप्शंस होते हैं ज़्यादातर फॉन्ट्स में, तो वो कर लिया करें। इंटरेस्टिंगली इसमें नहीं है, सही है, अब अगर इसमें नहीं है तो लेट्स डू इट, मैं इसको 35 या 15 डिग्री का खाली स्लांट दे रहा हूँ, That's it. 15 degrees more than enough. So yes, जैसे मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें different हैं, अगर आप देखें तो मैंने इसमें पहला letter capital लिखा है, बाकी सारे small लिखे हुए हैं, अगर आप इसको सबको capital करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ये TT जो लिखा हुआ आ रहा है, इस button पे click कर दें, ये आपके सारे capital letters में आ जाएंगे। अगर आप ये वाला करते हैं, these are small caps, यानी जो capital था वो बड़ा size का रहेगा, capital सारे हो जाएंगे लेकिन जो small letters थे वो छोटे साइज में आएंगे। सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और एंड समटाइम्स आई डोंट नो, दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये जो बांड शिफ्ट है इसमें ये काम नहीं कर रहा, सही है। लेट्स मैं आपको दिखा देता हूं एग्जांपल, अगर मैं एरियल में आ जाता हूं और सी दिस, यहाँ पर ये काम कर रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो स्मॉल कैप्स होता है ना ये बहुत अगली लगता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ यूज़ मत करें। ठीक है, एंड लेट्स गो फॉर सम अनदर डिसेंट फॉन्ट, एंड मैं इसमें जा रहा हूँ एक्यूमेंट पे, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरिएबल, लेट्स गो फॉर ब्लैक और लेट्स टाइप समथिंग एल्स, सो मैं इसका ये बंद कर रहा हूँ और लेट्स से मैंने टाइप किया ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर यूजली आपको पता होगा एलजेब्रा में आपने देखा होगा पावर ऊपर आ रही होती है, वो करने के लिए सिंपली इस टू को सेलेक्ट करें और यहाँ पर ये आपका सुपर स्क्रिप्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें एंड यू आर गुड। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको सब स्क्रिप्ट देना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। नाउ सब स्क्रिप्ट क्या होता है, लेट मी शो यू, H2O, ठीक है, और H2O सबको पता है बहुत कीमती चीज़ है, पानी संभाला करें, ज़ाया मत किया करें। ऑलराइट, H2O इज़ पानी और टू नीचे आता है, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बट आई शुड रिपीट ऑल दीज बिकॉज मैंने ये किया था कि इलस्ट्रेटर में मैंने पढ़ाया था, फोटोशॉप में मैंने कहा था कि इलस्ट्रेटर वाला देख लो, और आज तक मुझे एवरीबडी आस्क मी कि सर फोटोशॉप में आपने टेक्स्ट टूल नहीं पढ़ाया, तो भैया इनडिज़ाइन में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, एक्चुअली होता ये है कि कई सारे लोग हो सकता है इलस्ट्रेटर सीख ही ना रहे हो, इनको ज़रूरत ही ना हो, या अब जैसे इन क्लासेस में हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ इन डिज़ाइन सीख रहे हो, तो फिर ज़रूरी बन जाती है। सो अगर आपको ये सब आता है तो यार स्किप करो, कोई मसला नहीं है। सो दैट्स इट, ये आपके टाइप टूल के कुछ फीचर्स मौजूद थे यहाँ पर, सो मैंने समझा कि यार ये बताना आप लोगों को ज़रूरी है। यहाँ नीचे अगर आ जाएँ तो फिर आपके पास पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं, सेंटर राइट अलाइन, ठीक है, और ये जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड सेंटर, जस्टिफाइड राइट, जस्टिफाइड ऑल लाइंस मत यूज़ कीजिएगा, फिर आपके पास यहाँ पर कुछ और हैं, जस्टिफाइड अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन, अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन, नाउ ये स्पाइन वगैरह क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टेक्स्ट में मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊँगा। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट अगली क्लास आ रही है, डोंट वरी, आई थिंक इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हाइफिनेट एक चीज़ है जो कि शायद आपको ज़रूरत, बल्कि छोड़े यार पैराग्राफ की सारी सेटिंग्स लॉन्ग टेक्स्ट में, ठीक, बट उससे पहले एक और चीज़, इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ लिस्ट, सही है, फॉर एग्जाम्पल ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेट्स क्रिएट अ बॉक्स, बिग बॉक्स, और मैं एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ से कुछ फ्रूट्स का। नाउ लेट्स से दिस इज़ अ लिस्ट और इस पूरी लिस्ट में मुझे बुलेट्स चाहिए, सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और नीचे आ जाऊँ बिल्कुल या नीचे, सो आपके पास यहाँ पर दिए हुए बुलेट्स एंड नंबरिंग, दिस इज़ समथिंग गुड, ये आपके इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ एम एस वर्ड में मौजूद होता है, सो
जैसे मैंने कहा था कि इन डिज़ाइन इज स्पेसिफिकली फॉर द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के फीचर तो सारे मिलेंगे आपको यहाँ पे. एंड इनफैक्ट आपको नंबरिंग चाहिए, नंबरिंग मिल जाएगी. अगर आप इसके ऑप्शंस में जाएं तो आपके पास और ऑप्शंस आ जाएंगे. सो नंबर्स चाहिए, बुलेट्स चाहिए, बुलेट्स किस तरह का चाहिए, आप सब इस पे कर सकते हैं. आप इवन यहाँ पर रहते हुए प्रीव्यू ऑन कर लें तो आपको चेंज करता हुआ दिखाएगा भी. ठीक है जी, आप मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं बुलेट, आप ऐड कर लें. सो जैसे आप यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास पूरा कैरेक्टर सेट आ जाएगा जो भी आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं उसका, और उसमें आपको कुछ ना कुछ सिंबल ज़रूर दिखेंगे जिसको आप बुलेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से आई नीड दिस एरो, ऐड करो, ओके करो, ये लो आपका एरो लग गया, समथिंग वेरी नाइस. ठीक है, लेफ्ट इंडेंट कितना करना है? इंडेंट क्या होता है? जैसे ये बुलेट आई तो ये आगे बढ़ा, सही है. अब ये अगर आप लेफ्ट इंडेंट ज़ीरो कर दें तो ज़ीरो, तो वो कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मज़ीद आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं. ओके कर दें इसको ना. ये तो हो गए आपके बुलेट्स एंड नंबरिंग. एंड देन फिर आपके पास यहाँ पे फिर दिया हुआ है चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस. नाउ अपर केस आपको पता है, ऊपर मैंने ये बताया था, सही है. एंड देन फिर आपको लोअर केस भी दिया हुआ है, आप चाहें तो सही है, इसको बिल्कुल ही लोअर केस में कर सकते हैं. ऑल दो मैंने ऐसे टाइप नहीं किया था, मैंने टाइप किया था पहला वाला कैपिटल और फिर बाद. एंड देन फिर आपके पास दिया हुआ है टाइटल केस. टाइटल केस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नॉर्मल सेंटेंस केस में कर रहा हूँ, इसको मैं टाइप कर रहा हूँ, येलो बनाना, राइप मैंगो, टैंगी पाइनएप्पल, रेड स्ट्रॉबेरीज, ये दो दो वर्ड्स लिखे हुए. अगर आप चेंज केस करें और आप टाइटल केस कर दें, मैंने देखें जानबूझ के ये किया था कि मैंने जो भी चीज़ें टाइप की थी वो सब स्मॉल लेटर से टाइप की थी, बट यहाँ पर आप चेंज केस करके इसको टाइटल केस या सेंटेंस केस में कर सकते हैं. नाउ सेंटेंस केस क्या होता है? जुमले का पहला लेटर कैपिटल, बाकी तमाम तर स्मॉल. सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल. आप यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से पूरा केस चेंज कर सकते हैं. ये एमएस वर्ड में मौजूद है, बहुत सालों से है, कोई नई चीज़ नहीं है. एडोबी के प्रोडक्ट्स में, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप में ये मौजूद नहीं था, बट यहाँ मौजूद है. सो दिस इज़ समथिंग गुड. इंसर्ट फुट नोट, एंड नोट, इन सबको अभी हम स्किप कर रहे हैं, इसको आगे आने वाली क्लासेस में ज़रूर देखेंगे. हाइपरलिंक अभी बिल्कुल भूल जाएं, हाइपरलिंक हम इसमें इंटरैक्टिव जब बुक्स बनाएंगे तब उसमें देखेंगे. एक और बहुत काम की चीज़, इफ़ यू वांट डमी टेक्स्ट, जैसे लॉरम इप्सम होता है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. दो तरीके हैं, एक तो ये यहाँ नीचे दिया हुआ है, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, क्लिक करें, आपका प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ जाएगा. बुलेट्स चूँकि ऑन थी इसलिए हर पैराग्राफ पे ये बुलेट्स लगा रहा है, आप इसको सेलेक्ट ऑल करें, बुलेट्स ऑफ कर दें, यू आर गुड. प्लेस होल्डर टेक्स्ट इज नथिंग बट डमी टेक्स्ट. प्लेस होल्डर टेक्स्ट डालने का एक और तरीकेकार है कि आपने बॉक्स बना लिया, राइट क्लिक करें और इसमें जो ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें से ये रहा फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, खाली क्लिक कर दें, आपका प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ जाएगा. आई होप ये सिंपल सी क्लास है और इसमें इतना ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है. हाँ एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ कि जो आपका टाइप टूल है इसके अंदर आपके पास ये टाइप ऑन अ पाथ टूल मौजूद है. टाइप ऑन अ पाथ टूल का पर्पज़, अगर आप किसी पाथ के ऊपर टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है. दिस इज टाइप ऑन अ पाथ एग्जाम्पल. ठीक है जी, सेलेक्ट ऑल, फॉन्ट साइज बढ़ा दें एंड यू आर गुड. नाउ अगेन अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास फिर से ये मसला आ रहा है, बड़ा कर दें और इसकी रेंज बढ़ा दें. ठीक है, इसको हम आई थिंक इसकी हमें ज़रूरत ऐसा शबी तो नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे फिर कभी. फॉन्ट साइज़ छोटा कर लें तो ये थोड़ा सा फिट हो जाएगा इसके अंदर. ठीक है जी, टाइप ऑन द पार्ट टूल मैं यहाँ से ज़्यादा बेहतर है आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप अगर वहाँ देख लें इलस्ट्रेटर वाला तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. दैट्स इट फॉर टुडे क्लास. इट इज़ अ सिंपल, हो सकता है बोरिंग लगी हो, बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगती है ये क्लास, आई नो, बट दिस इज़ हेल्पफुल, दिस इज़ यूजफुल, मस्ट वॉच इट. ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ. थैंक यू.